फूल को अच्छे से मिक्स कर लिया हूँ। अब कड़ा हे गाइस, इट्स मी मयूरी। आप सबको फिर से मेरा न्यू रेसिपी वाला ब्लॉग पर स्वागत है। आज आप लोगों के साथ कद्दू फूल का पकोड़ा शेयर करूंगी। कैसे बनाऊंगी सारा रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पेज है तो पेज को फॉलो कर दीजिए। तो कद्दू फ्लावर पकौड़ा कैसे बनाते आप लोगों को दिखाऊंगी, तब तक वीडियो में कंटिन्यू रहिए। ये देखिए, ये है कद्दू का, ये जो फूल है इसी का आज पकौड़ा बनाएंगे। कैसे कैसे बना रहे हैं आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिए और देखते रहिए। फूल को अच्छे से धो के साफ कर लिया हूँ। अब इसमें क्या क्या ऐड करूंगी आप लोगों को दिखाऊंगी। अब इसमें काला जीरा देंगे, नमक, बेसन ऐड कर रही हूँ। अब पानी ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। बेसन के साथ इस फूल को अच्छे से मिक्स कर लिया हूँ। इसको फ्राई करूंगी, अब एक एक करके उल्टा करूंगी। अच्छे से पक गया है, अब इसको उठा लूंगी। ये देखिए, पकौड़ा बनके रेडी हो गया है। आप लोगों को आज का रेसिपी कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर पेज से तो पेज को फॉलो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।